आगामी 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व मामलों के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल वैन शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। वैन को राजस्व मंत्री रामलाल जाट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेंद्र कुमार दवे ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि न्यायालयों में आज इतने लंबित प्रकरण हो गए हैं कि उन पर पिक्चर तक बन गई, जिनमें तारीख पर तारीख का उल्लेख किया गया। लंबे समय तक न्याय नहीं मिलने से दिक्कत आती है। इसे समझते हुए राजस्व लंबित मामलों और जुडिशियल के माध्यम से मोबाइल वैन संभाग स्तर पर मिली है। यह वैन 21 दिन तक भिलवाड़ा को मिलेगी। इससे हर तहसील उप तहसील पर निर्धारित प्रोग्राम से जाएगी। इस दौरान ऐसे प्रकरण जिन्हें चिन्हित कर एसडीएम, तहसीलदार, वार्डपंच, सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, बीट कांस्टेबल, जनप्रतिनिधि और पूर्व रहे हैं या गांव के सामाजिक मुद्दबिरान हैं, वो लोग मिलकर ऐसे मामलों को सहमति से निपटारा करने के लिए मौके पर इन छोटे छोटे मामलों का निराकरण करवाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चीफ जस्टिस ने मिलकर यह शुरुआत राजस्थान में भिलवाड़ा जिले से की है। इसे लेकर मीटिंग भी की गई है। यह वैन सभी जगह जाएगी। जाट ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 12 मार्च को जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, इसके प्रचार प्रसार के लिए यह वैन गांव गांव ढाणी ढाणी तक जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेंद्र कुमार दवे ने कहा कि राजस्थान राज्य सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयोग करते हुए पहली बार न्यायपालिका और रेवेन्यू बोर्ड मिलकर बैठेंगे और इस बात का मंथन करेंगे कि राजस्व प्रकरणों में जो आपसी समझाइश और राजीनामे से जिन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है और राजीनामे से जिन प्रकरणों का निस्तारण होगा, उन प्रकरणों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाए। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने का आह्वान किया। पुराने कॉन्सेप्ट को देखते हुए माननीय न्यायाधिपति, हमारे चीफ जस्टिस साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब सलाह के आधार पर जो ये प्रोग्राम जो जारी हुआ, लोक अदालत तो पहले ही लगती थी। पहले पिछली बार भी आपने देखा होगा ग्राम न्यायालय पंचायतें हुआ करती थी। ये प्रवृत्ति आदि अनादि काल से गाँव में ग्राम न्यायालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के अनुसार बदला हुआ, लेकिन जो अच्छे के लिए किया। लेकिन आज भी इतने लंबित प्रकरण हो गए, आज पिक्चर भी आप देखते हो, तारीख पे तारीख ऐसी जो चीज़ें बनी हुई, पिक्चरें बन गई, इतने लंबे टाइम तक न्याय नहीं मिल पाने की वजह से दिक्कतें आती हैं। इस चीज़ को समझते हुए आज हमारे राजस्व लंबित मामलों और जुडिशली के माध्यम से मिलकर हम 21 दिन भीलवाड़ा जिले को, ये संभाग स्तर के लिए वैन बनी है, लेकिन 21 दिन भीलवाड़ा जिले को मिलेगी। इसमें हर तहसील पे, फिर उप तहसील पे, फिर वहाँ के हमारे एसडीएम साहब, मजिस्ट्रेट साहब जो तय कर लेंगे प्रोग्राम, एडीएम कलेक्टर साहब जो हमारे तय कर देंगे, उसके आधार पर गाँव में पहले ऐसे प्रकरण है जिनको चिन्हितकरण करके तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, नीचे के तबके के हमारे चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी जी हो, वार्डपंच हो, सरपंच हो, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं या चुने हुए हैं या नहीं चुने हुए हैं, पूर्व भी रहे हुए हैं या गांव के सामाजिक मोतबिरान हैं गांव में, वो लोग मिलकर ऐसे मामलों को निपटारा, सहमति से निपटारा करने के लिए मौके पे ही तुरंत। कई बार ऐसे भूमि अधिग्रहण बिल जैसे मैटर हो, जमीन लैंड एक्विजिशन हो रहा, किसी के चेक अनाधिकरण के मामले हो, वो हो, पानी बिजली के मैटर हो, ऐसे मामले हो, जो छोटे छोटे मामले जो बरसों तक न्यायालय में चक्कर लगाते रहते हैं, बंटवारे संबंधी हो, पैमाइश संबंधी मुश्किलें हो, ऐसी जो चीज़ें हैं, नामांतरण म्यूटेशन खोलने वाली जो चीज़ें हैं, आज एक आदमी पर डिपेंड रहते हैं जिसे वो कर नहीं पाता, अपनी मोनोपोली हो जाती। इन सब चीज़ों का निराकरण करने के लिए एक अच्छा काम प्रयास हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने मिलकर जो काम किया, न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका को साथ जोड़ते हुए, ये शुरुआत आज राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से हुई है। हमने आज इसकी मीटिंग भी की है। ये वैन सब जगह जाएगी। 12 मार्च को जो लोक अदालत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये चीज़ें हो रही है। आज विधिक की शिक्षा नहीं है लोगों में, जानकारी नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है। तो ये गांव-गांव तक जाएगी, ढाणी मजरे तक पहुँचाने का काम भी अगर जरूरत पड़ी वहाँ भी जाने का होगा तो हम इसको तय करके भेजेंगे ताकि उनका निराकरण वहीं हो। समय की बचत होगी, पैसा नहीं लगेगा और अनावश्यक जो कुरीतियाँ हैं सामाजिक लेवल पे, वो सारी इससे मिटाने का एक आह्वान भी होगा, जागृति भी आएगी। ये काम इस राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का 12 मार्च को आयोजन किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयोग करते हुए पहली बार न्यायपालिका और रेवेन्यू कोर्ट्स यह मिलकर बैठेंगे और इस बात का मंथन करेंगे
कि राजस्व प्रकरणों में जो आपसी सहमति समझाइश से और राजीनामे से जिन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है उन प्रकरणों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाए। आज माननीय राजस्व मंत्री जी के करकमलों से राजस्व प्रकरणों की लोक अदालत आयोजित करने का आह्वान किया गया। सभी राजस्व अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और आने वाली क्या क्या समस्याएं हैं इस पर चर्चा की गई और माननीय मंत्री जी ने यह आह्वान किया है, सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित प्रकरणों को अधिकाधिक रूप से निपटाया जाकर पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का नाम प्रथम स्थान पर रखा जाए।